जम्मू के सुंदरबनी में सरकारी डाक बंगला में पीडीपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों ने पानी की शिकायत की और उन्होंने तुरंत अफसरों को कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की भी सुध ली जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के लोगों को भी कश्मीरी विस्थापितों की तरह मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द लोगों को कहीं खाली पड़ी सरकारी जमीन पर मकान बनाने की जगह दिलाई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और जान का भी नुकसान न हो। इस अवसर पर अनेक लोगों ने पीडीपी की नीतियों से प्रभावित होकर पीडीपी का दामन थामा। यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी, ये वर्कर मीटिंग थी और क्योंकि कल मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला था जम्मू में और वो भी एक फीडबैक मैं अपने वर्करों को देना चाहता था और दूसरा क्योंकि आज बाढ़ों के हालात बहुत ख़राब हैं और उसमें मैक्सिमम लोग इसमें कैंपों में बैठे हुए हैं तो वो भी एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहते थे और लोगों में एक जो बात चल रही है क्योंकि बॉर्डर के लोग तो आज कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़ के कैंपों में आ गए हैं लेकिन वो तो दुखी हैं लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो बॉर्डरों पे नहीं रहते वो भी उन बॉर्डरों के लोगों की पीड़ा को देख के दुखी हैं। लेकिन अफसोस की बात ये मुझे दुख इस बात का आता है कि जो लीडर यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ एक फोटो सेशन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे आके अपनी फोटो खिंचवाते हैं उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में छुपा देते हैं और या नेशनल टीवी में उनके बयान आ जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं उन लीडरों को कहना चाहूँगा कि आप बेशक इन कैंपों में मत आइए, मेहरबानी करिए मत आइए, लेकिन अगर आप कुछ दे सकते हैं इनको तो इन बॉर्डर के माइग्रेंटों के मसलों को हल कर दीजिए। या तो आप एक काम करिए कि जो वाजपेयी साहब और मुफ्ती साहब की जो सोच थी जो उस समय 2002 में जब माइग्रेशन थी लोग कैंपों में बैठे थे और वाजपेयी साहब बस लेकर लाहौर गए थे और वहाँ पाकिस्तान से बातचीत की थी और उसके बाद बॉर्डर शांत हो गए थे, आज बॉर्डर द्वारा उबल पड़े हैं, आज बॉर्डर द्वारा वहाँ पे गोलाबारी शुरू हो रही है, कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने क्या जाने पीर पराई। आज बॉर्डरों का दुख बॉर्डर के लोग ही समझ सकते हैं या वही लीडर समझ सकते हैं जो बॉर्डरों पे जिनकी रिश्तेदारियां हैं या जिनकी बॉर्डरों से कोई कनेक्शन है।